ये है यूएस नेवी की हाइड्रोफॉइल शिप। ये शिप समुद्र की लहरों में भागती नहीं थी बल्कि लिटरली उड़ती थी। यूएस नेवी ने इस शिप को कोल्ड वॉर के दौरान इन्वेंट किया था और ये शिप समुद्र के लहरों में 170 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बड़े अटैक को मात देते हुए निकल जाती थी। मगर क्यों ये शिप आज अमेरिका के एस्टोरिया नाम के एक लेक के किनारे पड़ी है? जो शिप एक वक्त पे तूफान की रफ्तार से भागती थी उसे आज क्यों डीकमीशन कर दिया गया? और आखिर में अगर ये शिप इतनी एडवांस थी तो क्यों लोग इस शिप के खिलाफ हो गए थे? आखिर क्या है इस फ्लाइंग शिप की कहानी, आइए समझते हैं। ये बात है 1960 की, जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। ये दोनों ही कंट्रीज अपने फुल पावर के साथ एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इस दौरान इन दोनों कंट्रीज ने ऐसे ऐसे खतरनाक वेपन इन्वेंट किए जो बहुत ही डेंजरस थे। उस वक्त यूएस नेवी कोल्ड वॉर में अपने पावरफुल वेपन के साथ पूरी दुनिया में अपना खौफ बना कर रखा था। लेकिन जल्द ही उनका ये खौफ का बादल हटने वाला था, क्योंकि सोवियत यूनियन के कुछ डेवलपमेंट की वजह से अमेरिका खतरे में था। सोवियत यूनियन ने ऐसे खतरनाक सबमरीन बनाई जो कि एक झटके में पूरे अमेरिका को खत्म कर सकती थी। ये सबमरीन समुद्र के नीचे लगभग 75 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से भागती थी, जबकि उस टाइम पे यूएस नेवी के पास कोई ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी नहीं थी जो पानी में फुल स्पीड से चल सके और सोवियत यूनियन की सबमरीन का कुछ बिगाड़ सके। सोवियत यूनियन की सबमरीन समुद्र के नीचे बिल्कुल ही गायब हो जाती थी और ना ही इसे कोई डिटेक्ट कर सकता था, क्योंकि समुद्र के नीचे सबमरीन फुल स्पीड से भागती थी। और तो और, सबमरीन में ऐसे मिसाइल लगे होते हैं जो पलक झपकते ही पूरी शिप को राख बना सकती थी। और जो यूएस नेवी की शिप थी उस वक्त उनमें टोरपेडो मिसाइल लगे होते थे जो सबमरीन की स्पीड के सामने काफी स्लो थी और सबमरीन का कुछ उखाड़ भी नहीं पाती स्पीड की वजह से। सोवियत यूनियन के सबमरीन को लेकर अमेरिका ने बहुत सोचा कि कैसे उसे मात दे सके। फिर अमेरिका को ये ख्याल आया कि क्यों न एक ऐसा शिप बनाया जाए जो कि सोवियत यूनियन के सबमरीन से भी तेज भाग सके और उनके हमले को रोककर सबमरीन को मात दे सके। और जिस चीज का अमेरिकन को तलाश था उसे एक इटालियन इंजीनियर ने 1906 में बना चुके थे। उन्होंने एक ऐसी बोट बनाई थी जो अंडर वाटर बोट में लगी विंग्स के थ्रू काफी फास्ट चल सकती थी। ये अंडर वाटर विंग्स बोट के नीचे लगे रहते थे और जब बोट थोड़ी स्पीड पकड़ती थी तो पानी का प्रेशर इन विंग्स के जरिए बोट को ऊपर उठा देता था। पूरा बोट पानी के ऊपर उठ जाता था और सिर्फ विंग्स ही पानी के नीचे रहता था। ऐसा करने से पानी में पैदा होने वाला ड्रैग फोर्स कम हो जाता था, जिसकी वजह से बोट फुल स्पीड में भागती थी। इस डिजाइन को हाइड्रोफॉइल कहा जाता था। 1960 में हाइड्रोफॉइल शिप को धीरे धीरे एडवांस बनाया जाने लगा और ये विंग्स वाली टेक्नोलॉजी कमर्शियल यार्ड और बोट में भी अप्लाई की जा चुकी थी। हाइड्रोफॉइल का ये डिजाइन तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये बोट सिर्फ लेक में चल सकती थी और यूएस नेवी को चाहिए था कि ये बोट समुद्र के लहरों में बिना रुके फुल स्पीड से भागे। और इस वजह से यूएस नेवी ने हाइड्रोफॉइल शिप में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया। ये जो आपको शिप के नीचे राउंड विंग्स दिख रहे हैं इसे मॉडिफाई करके बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये शिप समुद्र के लहरों में भी पानी को चीरते हुए फुल स्पीड में स्मूथली भागती थी। यूएस नेवी को अब ये यकीन हो गया था कि सोवियत यूनियन की सबमरीन से मुकाबला करने के लिए यही डिजाइन सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये अपने फुल स्पीड से सोवियत यूनियन के सबमरीन का पीछा करके उनपे टारगेट भी कर पाएंगे जब वो समुद्र के ऊपर हो। 1970 में यूएस नेवी ने हाइड्रोफॉइल की चार टाइप की शिप बना चुकी थी, जिसमें सबसे बड़ी 320 टन वजनी यूएसएस प्लेन व्यू थी। ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड हाइड्रोफॉइल शिप थी। ये शिप स्लो स्पीड में भी नॉर्मल शिप्स के मुकाबले तेज भागती थी और जब इसकी स्पीड बढ़ानी होती थी तो इसकी हाइड्रोफॉइल विंग्स को हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से नीचे कर दिया जाता था। इसमें लगा इंजन 14,000 HP का था जो F-4 फैंटम फाइटर जेट्स के थे। ये शिप हाइड्रोफॉइल विंग्स और फाइटर जेट्स की इंजन की मदद से 91 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से समुद्र के लहरों में फुल स्पीड से भागती थी, यानी सोवियत सबमरीन से भी 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। इसके अलावा शिप में एडिशनल जेट इंजन लगाने का ऑप्शन भी था, जिसकी वजह से ये शिप 170 किलोमीटर की स्पीड भी अचीव कर सकती थी।
इन सब चीजों के अलावा हाइड्रोफॉइल शिप में बहुत ही एडवांस ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था, जो शिप को 10 फीट के वेव्स में भी कंट्रोल कर सकती थी। यूएस नेवी ने इन चार हाइड्रोफॉइल शिप में काफी पैसे लगाकर इन शिप्स को तैयार करवाया, मगर इसकी कंस्ट्रक्शन में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया, लगभग 14 साल, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इन शिप्स को 1974 तक तैयार कर लिया गया था। तब तक ऐसे दूसरे टेक्नोलॉजी बना ली गई थी जो सबमरीन को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निशाना बनाया जा सकता था। यानी हाइड्रोफॉइल शिप को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, अब वो हेलीकॉप्टर के थ्रू किया जा सकता था। मतलब अब इन हाइड्रोफॉइल शिप को सिर्फ फास्ट पेट्रोलिंग के अलावा और किसी काम में नहीं लिया जा सकता था। इसके अलावा इन हाइड्रोफॉइल शिप का नुकसान इनके फायदे से ज्यादा थे। एक तो इनकी मजबूती नॉर्मल शिप से भी कम थी। इन पर ज्यादा हैवी वेपन भी नहीं लादा जा सकता था, मतलब ये कि ये ज्यादा हैवी वेपन भी नहीं संभाल सकती थी। कुल मिलाकर यूएस नेवी का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। यूएस नेवी की ये शिप जहाँ काफी हद तक कामयाब भी हुई, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ये फेल हो गई। दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में ये शिप सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्सी बनकर रह गई। कोई भी नहीं चाहता था कि यूएस नेवी की ज्यादातर बजट एक ऐसे शिप में खर्च हो जाए जो बहुत कम कॉस्ट में पूरा किया जा सकता था। पर कोल्ड वॉर में यूएस नेवी को दुनिया को कुछ न कुछ करके दिखाना था, इसीलिए 6 हाइड्रोफॉइल शिप सिर्फ कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए तैयार की गई, जिनको पेगासस क्लास हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया। ये शिप 10 साल तक सर्विस में रही। उसके बाद 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन हार गई और कोल्ड वॉर खत्म हो गई, और साथ ही 1994 में इन हाइड्रोफॉइल शिप को हमेशा के लिए डीकमीशन कर दिया गया। वो शिप जो एक दौर में समुद्र के लहरों में उड़ा करती थी, वो आज एस्टोरिया लेक के किनारे इनका मलबा लावारिसों की तरह पड़ा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।